हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन फॉर एक्सलेंस आई एम रमेश निशान एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास टेन सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट टू रीडिंग ए द नेवर नेस्ट एंड वीडियो लेक्चर वी विल सी समरी ऑफ द लेसन सो लेट्स स्टार्ट द नेवर निवर नेस्ट यानी घोसला कभी नहीं कभी नहीं यहाँ पे नेस्ट का मतलब है घोसला आसियाना या घर जहाँ पे लोग रहते हैं एंड ये लिखा गया है सेड्रिक मॉन के द्वारा और इस लेसन में हम देखेंगे कि ये जो लेसन है ये हास्य से भरा हुआ है इट मीन्स ह्यूमर से रिलेटेड है एंड इस लेसन में होता क्या है कि जो जैक एंड जील नाम के जो दो लोग हैं पति पत्नी हैं ये दोनों जहाँ पे रहते हैं शान शौकत से रहते हैं और मजे की बात यह है कि ये जहाँ रहते हैं जहाँ की जो भी वस्तुएँ रहती है वो सारी वस्तुएं इंस्टॉलमेंट पे होता है यानी ये खुद का मालिक नहीं होता है एंड इनका खुद का जो बच्चा रहता है वो भी इंस्टॉलमेंट पे रहता है सो इसीलिए ये जो स्टोरी है वो हाथ से ओतप्रोत है सो इस रिलेशन के जो कैरेक्टर्स हैं मेन कैरेक्टर्स हैं वो जैक है जैक की वाइफ जिल है आंट जेन है एक नर्स है एंड डॉक्टर मार्टिन है इतने मेन कैरेक्टर्स हैं और ये जो स्टोरी होती है स्टार्ट होती है न्यू हेम्पस्ट्रीट के एक विला विला मीनस एक आसियाना एक घर यानी जैक और जिल के घर में से स्टार्ट होती है जहाँ पर लॉन्च यानी बैठक रूम होता है वो खाली होता है उस रूम में फर्नीचर्स होते हैं टू चेयर्स होते हैं एंड टेबल पे जो है कुछ लिखने की सामग्री रखी हुई होती है और अंदर जैक एंड प्रवेश करते हैं और जैक और जेल के साथ साथ आंट जैन भी प्रवेश करती है आंट जैन जैसे ही प्रवेश करती है जो रूम की सुंदरता है जो मकान की सुंदरता है उसको देख के आंट जैन काफ़ी खुश हो जाती है और वो इस तरह से वो देखती है कि सुंदर फर्नीचर चेयर्स और ढेर सारी चीज़ें होती है जैसे कार है रेडियोग्राम है पियानो है रेफ्रिजरेटर है इन सारी चीज़ों को देख के वो काफ़ी खुश हो जाती है अब जो झील है वो पूछती है कि हमारा छोटा सा घोसला हमारा छोटा सा आसियान आपको कैसा लगा आन तो आनजैन जो है वो खुश हो जाती है वो कहती है मार्वलस काफ़ी सुंदर है काफ़ी शानदार है इस तरह से वो तारीफ़ करने लग जाती है अब जो जील है वो आगे बताती है कि जैसे जैक जो है वो जब काम पर चले जाते हैं तो मैं जब अकेली रहती हूँ बोर हो रही होती हूँ तो मैं किचन पर जाती हूँ और वहाँ पर खाना बनाते बनाते मैं रेडियो वगैरह सुनती रहती हूँ गाना वगैरह सुनती हूँ तो आन जैन जो है वो काफ़ी खुश हो जाती है कि काफ़ी अच्छा घर है काफ़ी शानदार है वो तारीफ करने लग जाती है और जो जैक है वो पूछ लेता है कि आन जैन ये सब चीज़ें ये सब चीज़ें तो आपकी ही वजह से है मीन्स ये कहता है कि आपकी वजह से ही ये हम जिस भी स्थिति में है जिस सिचुएशन में है इसमें आपका ही तो हाथ है आपकी वजह से तो है तब ये सारी चीज़ें सुन के आज जो है थोड़ी सी चिंतित हो जाती है और वो चिंता में पड़ जाती है अब वो कहने लग जाती है मेरी चिंता का कारण तो यही है फिर जो है जैक वो पूछते हैं कि आन जैन आप चिंता क्यों कर रही हैं आपको किस बात की चिंता है तो आन जैन जो है वो बताती है कि जब तुम्हारी शादी हुई थी तो शादी के दौरान मैंने 200 पाउंड्स के बजाय 2000 पाउंड्स तो मीन्स 2000 पाउंड्स के चेक तो नहीं दे दिए थे इट मीन्स वो जो मुद्रा होती है एक मुद्रा होता है यानी जैसे यहाँ पर रुपया पैसा चलता है वैसे यहाँ पर इस स्टोरी में पाउंड चलता है तो आन जैन जो है वो इस बात को लेकर के काफ़ी चिंतित रहती है कि जब वो 200 पाउंड की चेक लिखी थी तो उस समय 200 की जगह गलती से उन्होंने 2000 तो नहीं लिख दिए थे क्योंकि उनको ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इतनी सारे इतना सारा सारी जो चीज़ें हैं सुंदर चीज़ें हैं सुंदर फर्नीचर रेफ्रिजरेटर कार सुंदर घर सुंदर मकान आसियाना इन सारी चीज़ों को देख करके उनको डाउट लगने लगता है कि ये मेरी ही पैसों की वजह से तो नहीं है मैं जो आंट जैन है वो कहती है तब जैक जो है आश्वस्त करता है कि नहीं आंट जैन ये जो चीज़ें हैं ये हमारी मेहनत की वजह से जो भी है और वो कहता है कि नहीं अणजन आप दो के ही चेक दिए थे 2000 के चेक नहीं दिए थे और इस तरह से अंजन जो है नीचे में बैठ जाती है अब बैठने के बाद वो जो है आगे पूछने लग जाती है कि ये जो सुंदर घर है इतना सुंदर घर है मीन्स इसके लिए तो बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ता होगा रेंट देना पड़ता होगा तो जो जैक है वो कहता है नहीं अनजन हम किराया वगैरह नहीं देते हैं हम रेंट नहीं चुकाते हैं तो अंजन कहती है वो क्यों भला तुम रेंट क्यों नहीं चुकाते ऐसा यदि करोगे तो तुम्हें ऑनर जो है घर से बाहर निकाल देंगे और सोचो तुम अकेले नहीं हो तुम्हारे साथ तुम्हारी वाइफ भी है जिल है तुम्हारा बच्चा भी है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो तो जो जैक है वो समझाते हुए कहता है कि नहीं आंट जैन हम किराया नहीं चुकाते क्योंकि हम साल दो साल तक सालों साल अगर हम किराया चुकाते रहेंगे तो ढेर सारा पैसा देना पड़ जाएगा सो इसीलिए हम जो है घर को ख़रीद लिए हैं और कितने में टेन पाउंड्स में टेंथ पाउंड टेंथ पाउंड में हमने घर को खरीद लिया है और बाकी जो पैसे हैं उसको हम इंस्टॉलमेंट पे चुका रहे हैं क्वार्टरली चुका रहे हैं अब इनका कहना ये है कि किराए पे रहने के बजाय वो स्वयं ऑनर बन जाए उनका मतलब ये है कि मिस्टर टेनेंट रहने के बजाय मिस्टर ऑनर बन जाए ये ज़्यादा बेटर होता है और इस तरह से वो ऑनर बन गया अब ये बातें सुन कर के जो आन जान वो हैरान हो जाती है वो आगे और पूछने लग जाती हैं कि ऐसा होता है फिर आगे और पूछने लग जाती है जो कार है कार के बारे में पूछती है तो वो बताते हैं कि जो कार है उसको हमने फाइव पाउंड में ख़रीद लिए हैं और बाकी जो पैसे हैं इंस्टॉलमेंट पे चुका रहे हैं तब जो आंट जैन है वो पूछती है कि जो कार है सच सच बताओ इस कार में से क्या क्या चीज़ें तुम्हारे हैं तब जो जैक है वो बताता है कि स्टीरिंग व्हील जो यहाँ पे होता है और एक टायर टायर एंड टू ऑफ द सिलेंडर्स और दो सिलेंडर ये हमारे हैं बाकी इंस्टॉलमेंट पे हैं अब ये सारी चीज़ें सुनने के बाद जो आंट चैन है वो और पूछने लग जाती है कि जो चेयर्स है फर्नीचर्स है रेडियोग्राम है और जो भी चीज़ें हैं रेफ्रिजरेटर है ये सब ये सब के बारे में भी बताओ तब बताते हैं कि यहाँ पे रखी हर एक चीज़ें घर से लेकर के हर एक चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे होता है यानी ये जो चीज़ें होती है ये स्वयं इनका नहीं होता है बल्कि ये कुछ पैसे दिए रहते हैं और बाकी जो है इंस्टॉलमेंट पे होता है तब जो आनजन है वो काफ़ी चिंतित हो जाती है और वो खड़े हो जाती है वो कहने लग जाती हैं कि ये सारी चीज़ें जो चेयर्स है ये मिस्टर सेज के हैं और ऐसा कहते हुए वो खड़े हो जाती है और काफ़ी हैरान हो जाती है काफ़ी परेशान हो जाती है कि तुम्हारा जो कोई भी वस्तु है वो तुम्हारा खुद का है ही नहीं और इस तरह से जो आनजन है वो कहने लग जाती है उसके बाद आन जन जो है वो पूछती है कि तुम पैसा कितना कमाते हो कितना अर्न करते हो तब जो जैक है वो कहता है कि मैं सिक्स पाउंड्स कमाता हूँ फिर इंस्टॉलमेंट पे कितना खर्च करते हो तब जो जैक है वो बताता है सेवन पाउंड्स एंड एट अ अवीक अब जो आंट जैन है वो बोलती है कि तुम सिक्स पाउंड्स कमाते हो और सेवन पाउंड्स एंड एट पेंस तुम जो है इंस्टॉलमेंट पर चुकाते हो तो ऐसा कैसे होता है यानी कम कमाते हो ज़्यादा कैसे चुकाते हो तब वो कहता है कि मैं जो है लोन ले लेता हूँ और लोन लेने के बाद बाकी का जो पैसा है वो मैं चुकाता रहता हूँ यानी इंस्टॉलमेंट पर चुकाता रहता हूँ सो तो इस तरह से वो देख करके वो अपना सिर पकड़ लेती है और नीचे चेयर पर बैठ जाती है बैठने के बाद उनको याद आता है कि ये जो चेयर है तो मिस्टर मिस्ट्रेसेज के वो चिल्लाते हुए खड़े हो जाती है और इस तरह से वो काफ़ी हैरान हो जाती है अब जो जैक है वो रिक्वेस्ट करता है कि आन जैन आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है आप लेट जाइए आप बिस्तर पे आराम करिए तो जो जैन है वो कह देती है वो साफ मना कर देती है कि मैं किसी दूसरे के बिस्तर पे नहीं सोऊंगी मैं दूसरे के चेयर पे नहीं बैठ सकती और इस तरह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है वो कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाली मैं घर जाऊँगी अब जो जैक है वो कहता है कि ठीक है मैं आपको कार से छोड़ देता हूँ तो वो कहती है कि मना कर देती है कि जो कार है वो भी दूसरे की है मिस्टर सेज की है तो मैं इस कार से भी नहीं जाऊँगी ऐसा कहते हुए वो जो है कहती है कि मैं काफ़ी हैरान हूँ मैं काफ़ी परेशान हूँ कि जो भी वस्तु है तुम्हारे घर में उनमें से कोई भी वस्तु तुम्हारा नहीं है मैं चाहती हूँ कि कम से कम एक वस्तु तो तुम्हारा हो और ऐसा करके वो जो अपने अपना जो पॉकेट है पॉकेट में से कुछ निकालती है और वो चेक होता है उस चेक को वो जिल को दे देती है और उसके बाद जो आन जैन है वो घर से बाहर की ओर चली जाती है उसके पीछे पीछे जैग भी चला जाता है एंड देन जो जील है वो देखती है कि जो चेक है वो टेन पाउंड्स का होता है अब वो सोच करके काफ़ी खुश हो जाती है कि हमारा जो बच्चा वो भी इंस्टॉलमेंट पे है हमारा बच्चा का जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो बचा बचा हुआ है अब वो जो इंस्टॉलमेंट है उसको चुकाने के बाद कम से कम वो जो बच्चा है हमारा बच्चा है वो तो मेरा हमारा हो जाएगा ऐसा करके वो खुश हो जाती है फिर एक नर्स आती है और नर्स जो बेबी पकड़ी हुई रहती है उनको वो दे देती है और वो जो खत है वो जो खत के साथ जो है वो चेक को भेज देती है किन भेज देती है मिस्टर मार्टिन डॉक्टर मार्टिन को और डॉक्टर मार्टिन को भेज देती है और इस तरह से उनका जो बच्चा है उनका हो जाएगा ऐसा करके फिर कुछ समय बाद वो जो डॉक्टर मिंस जैक है वो वापस आ जाता है और उसके बाद वो काफ़ी खुश रहता है और पूछने लग जाता है कि कितना पाउंड है मीन्स जो चीख है उसमें कितना लिखा हुआ है तब जो जिल है वो बताती है टेन पाउंड्स अब वो इसलिए खुश हो जाता है कि जो कार है कार का जो इंस्टॉलमेंट है दो महीने के लिए इसी से चुक जा, चुक जाएगा और ऐसा वो चुका लूँगा करके वो काफ़ी खुश हो जाता है फिर जो जील है वो जो है बताती है कि मैंने वो जो पैसा है उसको मैंने भेज दिया है डॉक्टर मार्टिन के लिए क्यों क्योंकि जो हमारा बच्चा है वो हमारा हो जाएगा ऐसा करके तो जो जैक है वो एक तरह से परेशान हो जाता है और वो जो जिल है वो रोने लग जाती है कि आप मुझ पर क्रोधित हो रहे हो मुझ पर नाराज हो रहे हो और वो सारी बातें बताती है कि जो भी वस्तु है वो तो हमारा है ही नहीं है कम से कम हमारा जो हो जाए वो तो हमारा बच्चा हो जाए और ऐसा करके वो जो है पैसे को भेज देती है अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जो उनका जो खुद का जो बच्चा होता है वो भी इंस्टॉलमेंट पे होता है और पैसा पे करने के बाद उनका खुद का हो जाता है सो so, इस तरह से ये जो स्टोरी होती है वो ह्यूमर पे बेस्ड है क्योंकि इस स्टोरी में जो जैक है जिल है उनके पास जो भी वस्तुएं रहती है वो ऐसे आराम से रहते हैं और ऐसे रहते हैं जैसे वो लग्जरी लाइफ व्यतीत कर रहे हैं जबकि असल में ऐसा नहीं होता है वो जो भी चीज़ें रखे रहते हैं जो भी सामान उनके पास होता है यहाँ तक कि उनका खुद का जो बच्चा होता है वो भी इंस्टॉलमेंट पर होता है तो इस तरह से ये जो स्टोरी है स्टोरी की समाप्त इसी समय इसी पे हो जाती है आई होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो लेक्चर वेरी वेल आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर टिल देन थैंक यू